तो देखो बच्चों, इस वाले प्रॉब्लम में देखोगे तो अगर यहाँ से देखोगे तो तुम एक इंक्लाइंड प्लेन है, और ये इंक्लाइंड प्लेन की अगर बात करोगे यहाँ से, तो यहाँ पर ए ब्लॉक ऑफ मास स्लाइड डाउन इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल थीटा कितना है, तो थीटा है 30 डिग्री विथ एक्सलेशन। अगर ये नीचे आ रहा है तो ये ए ब्लॉक मास स्लाइड डाउन विथ एक्सलेशन ए इज इक्वल टू जी वाई फोर, तो एक्सलेशन द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये जब ब्लॉक नीचे आ रहा है तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई, एम जी साइन 30 लग रहा होगा, और इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा एफ के, नॉर्मल इस पे ऊपर लग रहा होगा, और एम जी साइन 30 इधर लग रहा होगा, एम जी साइन 30 इधर लग रहा है। तो अगर एम जी साइन 30 इधर लग रहा है ये वाला, ठीक है, तो एम जी साइन 30 इधर लग रहा है, तो अब ये ए एक्सलेशन से नीचे आ रहा है, तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो इस एक्सलेशन की जो वैल्यू आ जाएगी, तो एक्सलेशन ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी भाई एम जी साइन 30 में माइनस कर दो काइनेटिक फ्रिक्शन को, तो एम जी साइन 30 बाई फोर्स, फोर्स अगर फोर्स नेट फोर्स एम में यहाँ से, तो एक्सलेशन यहाँ से एम जी साइन 30 1/2, और फ्रिक्शन म्यू एन, तो यहाँ से तुम बात करोगे तो एम जी बाई टू माइनस म्यू, और यह आ जाएगा एम जी कॉस 30, तो एम जी कॉस 30 इसका मतलब ये हुआ कि एम जी बाई टू माइनस म्यू एम जी बाई टू, इसका मतलब ये हुआ यहाँ से तुम देखोगे तो ये एक्सलेशन ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 माइनस म्यू बाई टू, नो 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 नो, फ्रिक्शन कॉस 30 साइन 60, यहाँ से ये जो वैल्यू है, क्या कर रहा हूँ मेरे भाई यार, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि एम जी बाई टू और म्यू एम जी बाई कॉस 30 साइन 60 √3/2, तो एक्सलेशन ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्सलेशन ए की वैल्यू आ जाएगी जी बाई टू, यहाँ का साइड में कोपचे में ले लो, तो -√3/μ। ये तो यहाँ से तुम देखोगे जी की वैल्यू, यहाँ से 10 डाल दो, हमें चाहिए जी की वैल्यू दिया था क्या यहाँ, हाँ जी की वैल्यू जी वाई फोर दिया हुआ है, तो ये जी वाई फोर यहाँ से डाल दो, और ये जी वाई टू है, और 1 -√3 μ, और यहाँ से म्यू कैलकुलेट कर लो, ये 2 ने 2 को इधर ख़त्म कर दिया, तो फाइनली जो इधर बना वो आ जाएगा, इधर कितना बचा भाई, तो इधर 1/2 बचा, तो 1 = 2 - −√3 μ, मतलब म्यू की जो 2√3 μ = 2, तो म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/1 यहाँ से 2, और ये 2 और -√3, तो √3 और 2, और यहाँ से 1/√3, तो इसका जो सोल्यूशन है 1/√3 तो इसमें है ही नहीं मेरे भाई। हा, एक ही मिनट, देर इज स्लाइटली मिस, ये एक्सलेशन जी वाई फोर है, तो एम जी वाई टू और माइनस यहाँ फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस 30 साइन 60 √3/2, तो यहाँ से एम जी और जी वाई टू, यहाँ से 1 - μ√3, तो यहाँ से जी बाई टू और 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो 2√3 और म्यू और 2 इधर आ गया, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2 तो 2√3, हाँ यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर मिला मिस्टेक, यहाँ से आ जाएगा ना भाई, क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ से आ जाएगा तो 2√3 μ = 1, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2√3। तो बाय बाय, टेक केयर।